हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? अब तो कोरोना केस भी कम हो गए हैं तो अच्छा लग रहा होगा। मिलना जुलना भी हो गया है सबसे, सब अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे, धीरे धीरे ये भी समय निकल जाएगा। और बच्चों के एग्जाम्स भी अब तो आ रहे हैं तो आप सब भी उसमें बिजी हो गए होंगे कि बच्चों की तैयारी भी करानी है। बच्चों के जब एग्जाम्स होते हैं ना तो माएँ और साथ में उनके साथ बिजी हो जाती हैं। आज सोचा है कि एक सब्जी बनाती हूँ रेसिपी, और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है, आलू की ही सब्जी। मैं आपको बताऊं क्यों, मैं पहले दिखाती हूँ ना आपको और साथ साथ बताती भी रहूंगी। आज मैं बना रही हूँ अफगानी आलू कढ़ाई, है ना थोड़ा डिफरेंट सा और बहुत अच्छी लगती है। और घर की सिंपल मसालों से बनती है ये सब्जी और टेस्ट लाजवाब बनता है। पूरी बनाऊं या इसके साथ तंदूरी रोटी या रोटी खाएंगे? नहीं, पूरी में, पूरी पूरी में के ना? साथ खाना हाँ है। पूरी के साथ तो हाँ, और उसके साथ अचार भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। चलिए बताती हूँ मैं आपको कि आज अफगानी आलू कढ़ाई कैसे बनती है। और कोशिश करो इसको ना लोहे की कढ़ाई में बनाना, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई में ना टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है। मैंने गैस ऑन कर ली है और मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। ये मैंने डाला है अप्रॉक्स 3 से 4 चम्मच के करीब सरसों का तेल। और सरसों के तेल को पहले गरम कर लेना है अच्छे से और उसके बाद ही इसमें कुछ करना है। तो सरसों का तेल जब तक गरम होता है तब तक आओ आप मसाले देख लो। मसालों में मैंने लिया है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, साबुत हरी मिर्च, टमाटो प्यूरी, टमाटर की प्यूरी, दही, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और घर का भुना हुआ जीरा का पाउडर और काली मिर्च पाउडर। और यहाँ पर मिलती है कुकिंग क्रीम, और इंडिया में तो क्या दूध की मलाई होती है ना, उससे भी आप बना सकते हो। मैंने हाफ नींबू लिया है, धनिया लीव्स ली हैं काट दी हैं और अदरक को बारीक बारीक काट लिया है स्लाइसेस में। और मेन इंग्रेडिएंट जिससे ये सब्जी बनेगी वो है आलू। एक्चुअली छोटे आलू से बनती है ये सब्जी, मगर यहाँ छोटे आलू मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैंने मीडियम साइज के 4 आलू लिए, क्योंकि हम 2 जनों के लिए इतना सफिशियंट है। और इसको इतने छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया है। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है, मैं इसमें आलू डालूंगी फ्राई करने के लिए। इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हो और आलू की जगह आप चिकन भी यूज कर सकते हो तो अफगानी चिकन कढ़ाई बन जाएगी। ये अब फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए आलू कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, सिर्फ 3 मिनट के करीब लगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पूरी 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसी में आपको ज्यादा बर्तन करने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक ही इसमें हो जाएगा। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से इसमें पक जाएगा। अब इसमें मैं जो 4 मिर्चें साबुत है वो भी डाल दूंगी। आप कितना स्पाइसी खाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी जब मिर्ची फ्राई हो जाती है ना तो वो उसका तेजीपन कम हो जाता है। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें टोमेटो प्यूरी। ये देखिए अब इसको अच्छे से हमें भूनना है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया ना, आप आलू की जगह चिकन भी यूज कर सकते हो, तो चिकन को ना आप पहले क्या करना, मैरिनेट कर लेना। उसमें हल्का सा नींबू डाल देना और नमक डाल देना और लाल मिर्च बस, और 1 चम्मच या आधा चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल के अच्छे से उसको मिक्स करके हाफ एन आवर के लिए आप रख देना। फिर उसको ऐसे ही फ्राई करना और बाकी का जो सारा प्रोसीजर है वो डिट्टो सेम रहेगा। बहुत टेस्टी बनता है वो भी। देखिए अब ये टमाटर अच्छे से पक गए हैं, अब मैं इसमें थोड़े मसाले डालूंगी। मैडम जी, आपने हरी मिर्च इसमें साबुत डाली है, कट नहीं की? हाँ मैंने इसलिए नहीं करी है क्योंकि जब हम खाएंगे ना तो साबुत मिर्ची को जब हम खाएंगे ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये सारा टेस्ट उसमें भर जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर,
धनिया पाउडर मेरी चम्मच इस साइज की है, तो मैं एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँ। फिर इसके बाद मैं गरम मसाला डाल दूँ, तो ये मैं आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दूँ और इसको अब मैं चलाऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, ये देखिए खुशबू भी, खुशबू तो वैसे मैं ही बताऊंगी कैसी आ रही है, मगर बहुत अच्छी आ रही है। और अब इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च, लाल मिर्च क्योंकि मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज करती हूँ जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, मगर ये बहुत तेज नहीं होती, तो मैंने आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च डाली है। और अब मैं डालूंगी हल्दी, हल्दी मैंने 1/4 चम्मच डाली है। और इसमें अब डलेगा घर का भुना हुआ जीरे का पाउडर, आपके पास घर का नहीं है बाहर का यूज करिए, ये इसका भी मैंने 1/2 चम्मच डाला है। और थोड़ी सी डाली है मैंने काली मिर्च, काली मिर्च का एक अलग सा ना गल, जब खाते वक्त गले में हल्का सा आता है ना जैसे कबाब खाते हैं, तो ऐसे ही टेस्ट आएगा इसका भी। अब मैं डाल रही हूँ दही, दही मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है, 3/4 कप ले लीजिए, और मैं इसमें पूरा दही डाल दूंगी और इसको फिर मैं लगातार चलाऊंगी क्योंकि दही फटे नहीं, इसलिए दही को लगातार चलाना है। तो 2 मिनट तो कम से कम आप चलाइए, 1.5 से 2 मिनट। अब मैं इसमें डालूंगी क्रीम, एक दूसरे वीडियो में भी किसी ने मुझसे पूछा था कि आप क्रीम कौन सी यूज करते हैं, तो मैंने बताया था कुकिंग क्रीम, तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है यहाँ पर और इंडिया में तो किसी चीज की कमी है ही नहीं, तो ये मैं डालूंगी सबसे एंड में। ये देखिए मैंने अच्छी क्वांटिटी में डाली है, अच्छी क्वांटिटी से मतलब 3 या 4 चम्मच के करीब क्रीम डालती हूँ, और इसको भी मैं लगातार चलाऊंगी। और इसको मैंने चला लिया, अब मैं इसमें जो मैंने अदरक के छोटे छोटे पीस काट के रखे थे ना स्लाइसेस, वो डाल दूंगी, और धनिया कटा हुआ डाल दूंगी, धनिया पत्ती, और सबसे एंड में। अच्छा, ग्रेवी के लिए मैंने ये आपको बताया, जैसे इसमें मैंने पानी बिल्कुल यूज नहीं करा है, और अगर आपको जैसे राइस के साथ खाना है ना, तो आप पानी डाल के उसकी थोड़ी, क्योंकि राइस के साथ इतनी थिक ग्रेवी नहीं खाई जाती, तो आप डाल सकते हो, मगर मैंने पानी की एक बूंद भी इसमें नहीं डाली है। इसमें अब मैं सबसे लास्ट में नींबू का रस डाल दूंगी, अगर आपको इतना खट्टा खाने की नहीं है तो आप नहीं डालेगा, मगर नींबू डाल के फिर इसको सब्जी को ढक दीजिए कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, जो आलू है ना वो पूरा मसाला एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर आप चिकन डालते हैं तो चिकन भी पूरा मसाला ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा। 2 मिनट हो गए हैं और अब सब्जी को खोल के देख लेते हैं। अरे वाह क्या कलर आया है ना, अच्छी लग रही है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए अब इसको प्लेटिंग कर, अगर किसी को बताया नहीं जाए तो लगेगा कि चिकन बनाए। हाँ, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ना लो फ्लेम में ही बनाई है पूरी, इसको अब मैं सर्व करती हूँ और फिर बनाती हूँ गरम गरम पूरियां, और फिर बताती हूँ कैसी बनी है। ये देखो प्लेटिंग के टाइम पे भी, मतलब सर्व करने के टाइम पे भी प्लेट भी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है देखो, है ना, येलो और थोड़ा ये शेड ग्रीन शेड आ रहा है। मैंने इनको ये सब्जी सर्व कर दी है और अब ये खा के बताएंगे, अब बताओ कैसी बनी। हर बार मैं ही खा के बताता हूँ, इस बार तुम खा के बताओ कैसी बनी है। हाँ, गरम गरम पूरियां हैं, पूरियों के साथ मजा आता है। वैसे सोचा मैंने कुछ और था कि सब्जी के साथ तंदूरी रोटी या नान बनाऊंगी, मगर इनको पूरी खानी थी, तो चलो पूरी, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप बताओ। Too good. आप भी बनाओ और घर में खिलाओ और बताओ कैसे बनी ये सब्जी, और अपने रिप्लाई में, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये सब्जी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल द टंडन परिवार,
हमारे चैनल का नेम, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें प्रोत्साहन दें कि हम और कुछ अच्छा करें, और अच्छा करें। कोशिश हमारी वैसे यही है कि अच्छा करें, मगर आप लोग का प्रोत्साहन जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा सब्सक्रिप्शन के द्वारा और लाइक्स के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा, तो वो हमें मिलेगा तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।